दोस्तों आज पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मुकाबला शाम 7:30 से मोहाली में खेला जाएगा। दोस्तों इस समय पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है। अगर पंजाब किंग्स इस मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट को हरा देती है तो वो सीधे पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर पहुंच सकती है। लखनऊ के खिलाफ होने वाले इस मैच में पंजाब किंग्स कई बड़े बदलाव के साथ मैदान पर नजर आ सकती है। आखिरकार 3 मैचों के बाद आज कप्तान शिखर धवन की टीम में वापसी संभव है। कप्तान शिखर धवन के आने से पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 पहले से मजबूत होगी। वहीं इसके बाद कागिसो रबाड़ा की भी टीम में वापसी होगी। रबाड़ा भी पिछले 2 मैचों से बाहर थे। दोस्तों कप्तान शिखर धवन और कागिसो रबाड़ा दोनों ही मैदान पर प्रैक्टिस करते नजर आए हैं, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि आज होने वाले मैच में दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। दोस्तों इस मैच में पंजाब किंग्स 3 विदेशी प्लेयर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है। हमें कागिसो रबाड़ा और नेथन एलिस दोनों खेलते नजर आ सकते हैं। नेथन एलिस को इम्पैक्ट प्लेयर की जगह टीम में मौका दिया जा सकता है। दोस्तों अगर पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाज करती है तो 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ मैदान पर नजर आ सकती है। इसके बाद सिकंदर रजा और नेथन एलिस को इंपैक्ट प्लेयर में रखकर किसी एक को बाद में मैदान पर उतार सकती है। भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो टीम फिर सीधे नेथन एलिस को प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर्स आज खेलते नजर आ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।